कोविड 19 के मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे वैक्सीन बनाने का प्रयास पूरे दुनिया में चल रहा है, और ज़्यादातर प्रयास जो है लैब में इसके एंटीजन बनाने को की तरफ जा रहा है। इस संदर्भ में प्लांट्स को भी वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, और इस संदर्भ में यूरोप में कुछ कंपनी जो हैं प्लांट वायरस को एज ए वेक्टर यूज करते हुए कुछ वायरसेस का एंटीजन प्रोडक्शन कर रहे हैं, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भी वायरोलॉजी लैब में हमारे साथीगण इस पर कार्य कर रहे हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट जिसमें वो प्लांट वायरस को एज ए वेक्टर यूज करते हैं और किसी भी प्रकार के प्रोटीन का प्लांट में एक्सप्रेशन कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप से टोबैको का प्लांट का यूज होता है, जिसमें हम प्रोटीन को एज ए एंटीजन के रूप में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और मनचाही मात्रा में इसका हार्वेस्ट करके प्यूरिफाई करके इसको एज ए वैक्सीन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ विश्व में लेट्यूस क्रॉप में भी वैक्सीन डेवलपमेंट में काम चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरफ भी हमारी सरकार और हमारी जो कंपनीज हैं जो वैक्सीन डेवलपमेंट में लगी हुई हैं इस पे ध्यान देंगी। थैंक यू।